यहाँ पे और दुकानें इनसे 75,000 रुपये लेकर दुकानें दी जा रही हैं, इनके पास पैसा नहीं है। भाई जानते हैं इनसे दुकानें क्यों नहीं दी गई? अपना किराल बताइए, दुकानें क्यों नहीं दी गई? समस्या ये बोलो, साफ साफ बोलो। 10 नंबर दूर बैठा हुआ है, वो बाहर का है, ठीक है साहब। मेयर साहब आए थे, उन्होंने ये कही थी परसों तरसों जब आए थे यहाँ पे, किसी नेता की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, और पैसे आप देना भी मत ही किसी को। और वो उमेश गौतम बोले ऐसा है, जो पैसा मांगे उसे जूते से उसे स्वागत करना, ये कह के गए थे साहब। और मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा तो मुझे मिलना चाहिए साहब। क्या क्या परेशानी बताइए? ये है कि हमें परेशानी है, 20 साल से हमारा यहाँ पे दुकान लगी हुई है, केला लगाते हैं, 20 साल हो गई। और जिन जिन पैसा जमा करते हमारी लड़कियाँ हैं साथ, और लड़कियाँ बेचारी कहाँ फेरी को जाएंगी, कहाँ जाएंगी भैया ये बताइए। और ये ऐसा इन इंसाफी की बातें हो रही है, जिनने रुपया जमा कर दिया उनको दे दिए, उनको दुकान मिल गई, हम जिनने नहीं जमा कर पाए, हम गरीब इंसान रोज कमाने रोज खाने वाले, एक कमाने वाला है, लड़कियाँ बच्चों छोटी हैं वो बैठती है इन पर। किसी एक महिला ने हमें बताया कि यहाँ गरीब दुकानें दी गई है, आखिर कब तक गरीबी चलेगी? आई महिला से बात करते हैं। हम यहाँ 25-26 साल से रहते हैं, हमें दुकान नहीं दी जा रही है, हम गरीब लोग हैं, हमारे आदमी को स्वास्थ्य की बात है, दिया मिल नहीं रहा है, 25-26 साल से लगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताओ, कहाँ से पैसा लाए, चोरी करें टकट डाले क्या करेंगे ये बताओ। हम तो लोग जमीन पर लगाए बैठे, मैं सब बताता हूँ,